बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिज़ान बैंक ने नवंबर के प्रॉफिट रेट जारी कर दिए। कोई भी इस्लामी बैंक अपने जो प्रॉफिट रेट्स है वो हर माह के पहले वीक में जारी करता है, जबकि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और वेटेज है वो हर माह के आखिरी वीक में जारी करता है। इस्लामी बैंक क्योंकि आपको प्रॉफिट मंथली दे रहा होता है और आपकी इसके जो प्रॉफिट रेट है वो हर माह चेंज हो रहे होते हैं, तो इसमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की जो शरह है वो हर माह के शुरू में अनाउंस की जाती है, जबकि वेटेज और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हर माह के आखिरी वीक में की जाती हैं। वेटेज और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मुराद है कि बैंक कस्टमर्स को कितना प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट देने से पहले बैंक उनके इन्वेस्टमेंट की स्कीम को मद्देनजर रखता है, इसके अलावा उनके इन्वेस्टमेंट के टर्नओवर को भी। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब और जानते हैं मिजान बैंक ने नवंबर में कस्टमर्स को कितना प्रॉफिट दिया है। मिजान बैंक ने अपने जो नवंबर के प्रॉफिट रेट्स हैं वो 1 दिसंबर 2023 को जारी कर दिए। सबसे पहले जो रुपीज सेविंग अकाउंट है, इसका जो प्रॉफिट रेट नवंबर के अंदर वो 11.01% है। इसका जो प्रॉफिट आपको मंथली दिया जाता है, जबकि मिजान बैंक का जो बचत अकाउंट है उसका जो रेट है वो 1 रुपये से 5 लाख तक 14.04% है, जबकि अगर आपका बैलेंस 5 लाख से ज़्यादा होता है तो उसका जो रेट होगा वो 11.56% होगा। मिजान बैंक के जो बच्चों के अकाउंट है, किड्स क्लब अकाउंट और टीन्स क्लब अकाउंट, इनका जो प्रॉफिट रेट मंथली, इनका जो प्रॉफिट रेट है वो 15.97% है, जबकि जो इसकी प्रॉफिट की फ्रिक्वेंसी है वो भी मंथली है। मिजान बैंक का जो आसान सेविंग अकाउंट है उसका जो प्रॉफिट रेट है वो 18.17% है, जो कि सेविंग के ऊपर इस वक्त का हाइस्ट प्रॉफिट है। मतलब बैंक सेविंग आसान की बात करें तो उसका प्रॉफिट रेट भी 18.17% है, जबकि जो मिजान बैंक का सीनियर सिटीजन अकाउंट है उसका रेट 15.97% है, जबकि मिजान वुमन फर्स्ट अकाउंट की बात करें तो उसका रेट भी 15.97% है। मिजान की जो कफाला प्रोडक्ट है उसका रेट 14.59 है, मतलब कि इसकी जो पेमेंट फ्रिक्वेंसी है वो भी मंथली है, जबकि मिजान कफाला मल्टीप्लायर के अंदर भी रेट जो है वो 15.14% होगा। मिजान बैंक का जो पेयर और पार्टनर स्कीम है उसके अंदर जो रेट है वो 0.28% है, जबकि मिजान नेशनल डिजिटल अकाउंट की बात करें तो उसका जो रेट है वो नॉर्मल सेविंग का रेट के बराबर है, 11.01%। मिजान का जो एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट है यानी कि जो रेमिटेंस अकाउंट है, इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 15.14% है, इसकी जो प्रॉफिट की पेमेंट है वो भी मंथली है। अगर हम मिजान बिजनेस प्लस की बात करें तो उसके अंदर 0.28 रेट है और मार्जिन अकाउंट का भी इतना ही रेट है। कारोबारी जो मुनाफा अकाउंट है जो स्पेशली कारोबारी बिजनेस अकाउंट के लिए है, इसका जो मिनिमम रेट है वो 11.01% है, जबकि हाइस्ट रेट 11.84% है। कारोबारी मुनाफा जो क्लब्ड अकाउंट है उसके अंदर मिनिमम रेट 11.08% है, जबकि हाइस्ट रेट 11.84% है। मिजान बैंक का जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट अकाउंट है उसके अंदर मिनिमम रेट 11.01% है, जबकि हाइस्ट रेट 11.01% है। मिजान इस्लामिक इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट अकाउंट है MIIDA NBFI, उसका रेट भी 11.01% है। अगर हम स्मार्ट रेमिटेंस वॉलेट की बात करते हैं तो उसका रेट 18.17% है, इसकी प्रॉफिट पेमेंट मंथली है। इसके अलावा मिजान जो स्मार्ट वॉलेट है और स्मार्ट आसान मोबाइल अकाउंट है उसका रेट भी 18.17% है। मिजान में जो डिजी अकाउंट है, जो कि डिजी आसान अकाउंट है, डिजी रेमिटेंस अकाउंट है सेविंग, जबकि मिजान फ्रीलांसर अकाउंट है, इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 18.17% है। ये जो रेट है दोस्तों, ये मिजान में नॉर्मल सेविंग अकाउंट के रेट है, यानी कि इन अकाउंट में किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप चाहे अपने अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिजान में के जो मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो फिक्स्ड प्रॉफिट वाली स्कीम है उसकी बात करें। सबसे पहला जो मुदारबा मंथली सर्टिफिकेट है उसका जो प्रॉफिट रेट है 11.56% है। देखिए, अगर आप मिजान बैंक के अंदर एक मंथ के लिए कुछ स्कीम लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट रेट है वो 11.56% है। इसके अलावा जो मिजान बैंक की 3 माह की स्कीम है जिसके अंदर प्रॉफिट आपको मेच्योरिटी के ऊपर मिलेगा, उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट रेट है वो 11.84% है। इन स्कीम्स के लिए जो मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 से शुरू होगी। मिजान बैंक की जो 6 माह की स्कीम है उसका प्रॉफिट आपको मेच्योरिटी के ऊपर मिलेगा, इसका रेट 12.11% है। मिजान बैंक का जो एक तरह का सर्टिफिकेट है जिसके अंदर प्रॉफिट आपको मंथली दिया जाएगा, उसका रेट 17.07% है, जबकि 1 साल का जो सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट मेच्योरिटी के ऊपर दिया जाएगा, उसका प्रॉफिट रेट 18.17% है। अगर हम बात करें मिजान बैंक 1 ईयर सीनियर मंथली प्रॉफिट वाले की, तो उसका रेट 19% है, जबकि मिजान बैंक का जो 1 ईयर का सीनियर मेच्योरिटी प्रॉफिट वाला है वो 20.10% है। मिजान बैंक की जो 1.5 साल की स्कीम है जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अंदर आपने मिनिमम 50,000 इन्वेस्ट करना होता है, इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 16.52% है, जो कि प्रॉफिट आपको मंथली देती है। मिजान बैंक ने 2, 3 साल और 5 साल की स्कीमें डिसकंटिन्यू कर दी हैं, लेकिन जो स्कीमें चल रही हैं उसके मुताबिक जो मिजान बैंक का रेट है वो 15.42% है। अगर हम बात करें मिजान आमदन सर्टिफिकेट की MSE की, तो इसके लिए जो 5.5 साल की स्कीम है उसका रेट 15.42% है, जबकि जो मिजान बैंक के सीनियर कस्टमर्स हैं उनका रेट 16.79% है। 7 ईयर की स्कीम की बात करें तो उसका रेट 15.69% है, जबकि 7 ईयर सीनियर की बात करें तो उसका रेट 17.34% है। मिजान बैंक जो डिजिटल डॉलर सेविंग अकाउंट है उनका जो मंथली रेट है वो 2.11% है, जबकि मिजान बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट डॉलर के अंदर, मिजान रोशन रेजिडेंट अकाउंट जो डॉलर के अंदर, उनका रेट भी 2.11% है, जबकि मार्जिन अकाउंट की बात करें तो उसका रेट 0.07% है।
का जो वुमन फर्स्ट अकाउंट है यूएस डॉलर के अंदर, उसका रेट 2.11% है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाउंड स्टर्लिंग की, यानी कि जो बरतानिया का पाउंड है, उसका रेट 1.25% है। और मिजान रोशन डिजिटल अकाउंट, मिजान रोशन रेजिडेंट अकाउंट और मिजान वुमन फर्स्ट अकाउंट जो जीबीबी के अंदर है, उसका प्रॉफिट रेट भी सेम यानी कि 1.25% है। यूरो के जो रेट हैं यूरो सेविंग अकाउंट के अंदर, इसके अलावा मिजान रोशन डिजिटल अकाउंट यूरो, मिजान रोशन रेजिडेंट अकाउंट यूरो, मिजान वुमेन फर्स्ट अकाउंट यूरो का रेट 1.20% है। देखिए डॉलर की नस्बत यूरो और पाउंड के रेट इसलिए कम है क्योंकि इनकी आगे जो इन्वेस्टमेंट है वो उस तरह से नहीं होती। मिजान बैंक जो डॉलर के अंदर मुजारबा सर्टिफिकेट भी जारी करता है डीएमसी, जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10K यानी कि $10,000 से शुरू होती है। इसकी जो स्कीम है वो 3 माह, 6 माह, 1 साल और 3 साल तक चलती है। मिनिमम जो स्कीम 3 माह की है, जिसका प्रॉफिट मेच्योरिटी में मिलेगा, उसका रेट 2.19% है। जबकि 6 माह की स्कीम है, जिसका प्रॉफिट मेच्योरिटी में मिलता है, उसका रेट भी 2.37% है। जबकि 1 साल की स्कीम है, जिसके अंदर आपको प्रॉफिट 6 माह बाद मिलेगा, उसका रेट 2.92% है। अगर हम 1 साल की स्कीम बात करें, जिसका प्रॉफिट आपको मेच्योरिटी के वक्त मिलेगा, उसका रेट 2.99% है। 3 साल का सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर आपको प्रॉफिट 6 माह के बाद मिलेगा, उसका रेट 3.06% है। जबकि जो मिजान बैंक की 3 साल का सर्टिफिकेट है मेच्योरिटी प्रॉफिट वाला, उसका रेट 3.10% है। नजर देख लेते हैं कि मिजान बैंक की जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होती है। मिजान बैंक आपको जो प्रॉफिट देता है वो मंथली देता है, जबकि जो प्रॉफिट रेट होता है वो एनुअली होता है। फर्स्ट क्रेडिट रेट अगर 11.01% है नॉर्मल सेविंग अकाउंट के अंदर, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख है तो आपका जो साल का प्रॉफिट बनता है वो 11,010 रुपये बनता है। जबकि आपने 11,010 रुपये को मंथली प्रॉफिट के अंदर लें तो आपने इस प्रॉफिट को 12 माह तक सेम कर देना, तो आपका जो मंथली प्रॉफिट बनेगा वो 917.50 बनेगा। इसी तरह ये जो रूल है वो बाकी जो मिजान बैंक के नॉर्मल सेविंग और जो दारबा सर्टिफिकेट है उनके ऊपर भी लागू होता है। तो ये थी आज की मिजान बैंक के प्रॉफिट रेट के हवाले से वीडियो। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।